चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान लगातार चांद की सतह पर अपने प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर टहल रहा है और चांद से जुड़ी अहम जानकारियां लैंडर के जरिए पृथ्वी तक इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा है। विक्रम लैंडर तो एक जगह स्थिर है, लेकिन रोवर प्रज्ञान लगातार चांद की सतह पर टहल रहा है। इस दौरान उसके रास्ते में क्रेटर्स यानी चांद पर बने गड्ढे बड़ी बाधा बन सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चांद पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे में रोवर प्रज्ञान के रास्ते में कोई बड़ा क्रेटर बड़ी बाधा भी बन सकता है, इसकी संभावना इसरो ने भी जताई है। लेकिन इस बीच चांद पर दौड़ रहे रोवर प्रज्ञान से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इसरो ने बताया है कि चांद की सतह पर दौड़ रहे रोवर प्रज्ञान ने चांद पर अपनी पहली बाधा यानी पहले क्रेटर को पार कर लिया है। इसरो के मुताबिक ये क्रेटर करीब 100 मिलीमीटर तक गहरा था। ये चांद पर भारत के मून मिशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसरो के वैज्ञानिक इससे काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि रोवर प्रज्ञान चांद पर आने वाली हर बाधा को आसानी से पार कर सकता है। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट से जुड़े इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि रोवर प्रज्ञान के पहली बाधा को आसानी से पार करने से चंद्रयान 3 मिशन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना और भी ज्यादा प्रबल हुई है। उन्होंने कहा कि पहले क्रेटर को लेकर हम चिंतित थे, लेकिन रोवर प्रज्ञान ने इसे आसानी से पार कर लिया। ऐसे में अब चांद पर भारत के इस मून मिशन के पूरी तरह सफल होने की संभावना बढ़ती जा रही है। इस बीच इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन अब तक पूरी तरह सही दिशा में काम कर रहा है। इस मिशन के 3 में से 2 उद्देश्य पूरे हो चुके हैं और तीसरे उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में रोवर प्रज्ञान और विक्रम लगातार जुटे हुए हैं। भारत का मून मिशन चांद पर कुल 1 लूनर डे यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चलने वाला है, जिसमें अभी करीब 10 दिन और बचे हैं। ऐसे में पूरे देश के साथ दुनिया की नजर भारत के इस मून मिशन पर टिकी हुई है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।